दोस्तों आज की गेम फिर से बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की गेम में आपको तरह तरह के स्टंट्स देखने को मिलेंगे और तो और स्टंट भी ऐसे वैसे जो कि आपने किसी भी मूवी में भी ना देखे होंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में सस्पेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो सकता है कि वीडियो हमारी और सस्पेंस ना हो। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, और अगर बेहतर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज आपके लिए लाए हैं सुलेमानी फक्की, जिसे खाने के बाद अगर तो आप लड़की हैं तो आपकी कभी भी उम्र नहीं बढ़ने वाली, और अगर तो आप लड़के हैं तो आपकी खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा करेगी ये फक्की। चल झूठा। चले तो फालतू की बातें छोड़कर आप चलते हैं अपनी गेम की तरफ। तो यहाँ पर हमारी लैंडिंग ऑब्जर्वेटरी होने जा रही है और यहाँ पर हमारे साथ एक से दो स्क्वाड भी आ रहे हैं। अब इन स्क्वाड्स की पहली गलती तो ये है कि ये ऑब्जर्वेटरी है, और दूसरी गलती ये है कि ये फिर से ऑब्जर्वेटरी है। अब तो इनको पेलेंगे और इतना पेलेंगे कि किसी ने सोची ना होगी। और यहाँ पर हमें AK मिल चुकी है और यहाँ सामने एक बंदा भी उतर चुका है जिसको वन टाइम मारकर डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर मारना तो हम इसके दूसरे बंदे को चाहते थे, मगर एम उस पर चला गया। अब इसका दूसरा बंदा जो कि अपनी तरफ से बहुत अच्छे कवर में चला गया था, लेकिन इसको भी हेडशॉट मारकर डाउन कर दिया। अब इसे मारने के बाद आगे एक बंदा डाउन होता है, मैं उसका किल चोरी करने के लिए जाता ही हूँ कि बाद में पता चलता है कि वो तो मेरे टीममेट ने ही डाउन किया है। अब यहाँ पर मैं टहल रहा होता हूँ कि पीछे से एक महिला का फायर मेरे दिल पर आकर लगा। और जी ये महिला नहीं, ये तो डाकू है, नीचे आपने नाम भी पढ़ लिया होगा। और तो और उस डाकू को भी पीछे से किसी ने मार दिया। अब मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा होता हूँ कि कोई मुझे आकर रिवाइव करे, मगर कोई भी ऐसा नहीं करता और मैं पूरा हो जाता हूँ। तो वहां से रिवाइव होने के बाद मैं आ जाता हूँ ग्रेवयार्ड वाली साइड, और वो ऊपर से दो बंदे आ रहे हैं और मैं इन पर स्प्रे धर देता हूँ, मगर पीछे से मेरा किल चोरी हो जाता है। अरे भाई जाने दे, बच्चे की जान लेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो तेरी लूट लूंगा। अब इस बंदे को डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर लूट करने में मसरूफ हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये दो ही बंदे थे। इनको मारने के बाद मैं आ जाता हूँ हैंगर वाली साइड, और वो देखे सामने एक पूरा स्क्वाड है जो टहल रहा है मशीन के आसपास। अब इसको मैं अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ कि पीछे से मेरा बंदा किल चोरी कर लेता है मेरा। अब हम इसको कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगली बार खिलाएगा भी नहीं साथ ही अगर कुछ कह दिया तो। इसीलिए मैं चुपचाप डाउन बंदे को पूरा करके उसकी लूट करने के लिए आगे चला जाता हूँ, कहीं मेरी लूट भी ना ले जाएंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या कि उसके बंदे ने उसको रिवाइव कर दिया और मैं फटाफट जाकर उसको डाउन कर देता हूँ। यहाँ साइड पर एक बंदा वुकुंग बनकर बैठा है, मगर मेरे टीममेट्स को नहीं पता, वो तो लूट करने भी चला गया। तो यहाँ पर मुझे मेरा किल वापस मिल गया। इनको मारने के बाद मैं यहाँ पर इनकी लूट करने बैठ जाता हूँ। चलो इसकी लूट तो होगी, अब सामने वाले की लूट करते हैं। इसके पास तो गजब लूट। अभी ये क्या हुआ, ये कहाँ से हुआ, ये किसने मारी, ये ग्लू कहाँ गया मेरा, ये कहाँ लगा? तो दुनिया का ये आलम है कि बंदे को लूट भी चैन से नहीं करने देते। ये बंदे को तो इतना मारूंगा कि ये भी याद रखेगा। चलो इस बंदे को तो बाद में देखेंगे, पहले लूट ही कर लूं मैं थोड़ी सी जरा। अब वहां से लूट करने के बाद हम आगे की साइड आते हैं जहां से मुझे फायर पड़ा था। अब उस बंदे से बदला भी तो लेना है जिसने लूट करते हुए हमें तंग किया था। अब यहां पर मैं आगे की साइड जा ही रहा होता हूं कि वो बंदा मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और मुझे मजबूरन ग्लू लगाना पड़ता है। ये अपन का इलाका है, यहां पर तू आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से। अच्छा सुन ना। हां बोल बे। ये ले तेरे ही इलाके में तेरे को अवार्ड, इसे लॉबी में जाकर सजा ले, और टीममेट अगर पूछे तो कहीं के तीन बंदों को डाउन किया था, चौथे ने आके पीछे से मुझे मार दिया। तो यहाँ पर थोड़े से इमोट करने के बाद हम चले जाते हैं उसकी लूट करने के लिए। तो यहाँ पर उस बंदे की लूट करने के बाद हम आ जाते हैं बीमा शक्ति वाली साइड, और यहाँ पर वो देखें सामने एक बंदा है जिसको मेरे टीममेट पीछे से डैमेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर चलते हैं किल चोरी करने के लिए अपने टीममेट्स का। अरे वाह क्या कवर मिला है, यहाँ पर तो बंदा मुझे टच तक नहीं कर सकता। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तुझे टच तो बिल्कुल भी नहीं किया। अब हम यहाँ पर इस बंदे की लूट करने आ जाते हैं। अभी हम इसकी लूट कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से इसके भाई बंधु हमें काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं। तो अब मैं मरहम पट्टी करने के बाद उस पर एम करने की कोशिश करता हूँ, मगर वो बंदा मुझे नजर नहीं आता। अब आखिरकार काफी देर खपने के बाद मुझे वो बंदा नजर आ जाता है, तो मैं उस पर फायर करना शुरू कर देता हूँ, मगर वो भी मुझे अच्छा खासा डैमेज कर देता है। मुझे तो डैमेज करता ही करता है, मेरे टीममेट को डाउन ही कर देता है। इतने में मेरा टीममेट उसे डाउन कर देता है और ऊपर से भी बंदे आ जाते हैं, और मैं यहाँ पर अपने ही ग्लूवाल के पीछे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं बाहर निकल के देखता हूँ कि वो बंदा मुझ पर फायर करेगा या नहीं, मगर वो नहीं करता, तो अब मुझे मजबूरन ऊपर जाना पड़ता है उस पर रश करने के लिए। अब मैं ऊपर जा रहा होता हूँ और वो बंदा नीचे आ रहा होता है, बस आ गया मेरी MP40 के एम पर, मैंने ठोक दिया इसे। अभी मैं इमोट लगाने का सोच ही रहा था कि सामने से धड़ाधड़ फायर पड़ना शुरू हो गया मुझे। अब यहाँ पर उस बंदे की लूट करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ ऊपर वाली साइड, और मुझे यहाँ आते ही एक बंदा नजर आता है। ये वही बंदा होता है जो हमें मुसलसल डैमेज कर रहा होता है, और इसको मैं यहाँ पर आकर मार देता हूँ। तो यहाँ पर मैं उसकी लूट करने के बाद अपने टीममेट को रिवाइव करने जा रहा होता हूँ कि पीछे बंदा अभी अभी उतरा है, मतलब दूसरा जन्म लेकर आया है, फिर भी हम पर रश कर रहा है। हम पर मतलब कि अगर कोई और होता तो समझ भी आती, लेकिन हम पर। और बस फिर यहाँ पर होना क्या था, लगे हाथों इसको भी पेल दिया। अब इस बंदे के पास क्या ही लूट होगी जो कि अभी अभी रिवाइव होकर आया है, लेकिन फिर भी हम आदत से मजबूर हैं, जिस बंदे को मारी उसकी लूट करने चले जाते हैं। लूट करने के बाद मैं अपना मुखड़ा इधर करता हूँ तो सामने बंदा जा रहा होता है जिसे बहुत अच्छा डैमेज कर देता हूँ मैं, मगर वो कवर में चला जाता है और मैं भी उस पर स्ट्रेट रश कर देता हूँ। अब वो बंदा नाड़ी था, वो चाहता तो मुझे आराम से मार सकता था, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आ रहा था और यहाँ पर हेड बहुत ज्यादा लगते हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं नुक्कड़ में लग के?
अब यहाँ पर मैं इस बंदे को डाउन करके इसे पूरा कर रहा होता हूँ कि यहाँ सामने एक बंदा आ जाता है। अब ये पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ, लेकिन हो गया तो इसको पेल देते हैं। अब यहाँ पर मैं बड़ी मुश्किल से इसको डाउन कर मेडी लगा रहा होता हूँ कि वो बंदा टीका लगाना शुरू हो जाता है। मतलब ये बंदा पार्ट टाइम नर्स भी था। अब इसे पूरा करने के बाद मैं जोन से बाहर आकर मेडी लगाना शुरू कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे 12 किल हो चुके हैं और 8 बंदे अलाइव हैं। हेल्थ पूरी करते करते जोन फिर से आगे निकल जाता है और मैं जोन से निकल कर एक ग्लू वॉल लगा लेता हूँ और रिपेयर किट लगाना शुरू कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से जोन हमसे आगे निकल जाता है। मतलब जोन भी नहीं चाहता कि हम भुया करें। अभी मैं जोन से बाहर निकल ही रहा होता हूँ कि सामने से बंदा मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। अब यहाँ पर मुझे किसी ना किसी तरह हेल्थ पूरी करनी थी, लेकिन वो बंदा मुसलसल मेरे पीछे आ रहा होता है। अभी फिलहाल तो मैं इससे बच जाता हूँ और मेडी लगाने की कोशिश करता हूँ, मगर वो बंदा दूसरी साइड से आ जाता है। मतलब बहुत ही जिद्दी है, ऐसे नहीं मानेगा। अब उस बंदे ने रश नहीं किया और वो ऊपर वाली साइड चला गया। मतलब यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना नाड़ी था। अब चूंकि हमें भी हेल्थ पूरी करने का मौका मिल गया तो हम भरपूर फायदा उठाएंगे इसका। हेल्थ पूरी करने के बाद मैं ग्लू वॉल की मदद से ऊपर वाली साइड आ जाता हूँ और उस बंदे का एम लेने की कोशिश करता हूँ। तभी मुझे एक बंदा नजर आता है जो कि रिवाइव होकर आ रहा होता है। मैं उसे मारने लगता हूँ तो ये बंदा मुझे मारने लग जाता है। अब तो इसको मारने का वक्त आ ही गया है। अब मैं यहाँ पर हेल्थ लगा रहा होता हूँ कि वो फिर से उछल कूद करना शुरू हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर होना क्या था, मैंने निकाली वुड पैकर और धर दिया इसे वन टैप। अभी मैं इसे पूरा कर ही रहा होता हूँ कि ऊपर वाली साइड से भी मुझे फायर पड़ना शुरू हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने जान बचाकर हेल्थ पूरी किया, वो बंदा मेरे सामने हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और भी डर था कि अभी जो बंदा रिवाइव होकर आया वो अभी भी नीचे ही था। अब इसको मारना बहुत जरूरी था ताकि इसको मार के हम नीचे वाले बंदे को देख सके। तभी ये मेरे सामने आता है और इसको बहुत ज्यादा डैमेज कर देता हूँ मैं। और अब यहाँ पर होना क्या था, निकाली मैंने MP40 और उसने मुझे मार दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। भुया तो हमारा नहीं हो सका, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर लेंगे। तो पसंद आने की सूरत में हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।